गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेसन 10 बताने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आगे आओ कविता। आगे आओ कविता के कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी जी। पहले अनुच्छेद के माध्यम से कवि कहना क्या चाह रहे हैं, चलिए आइए पढ़ते हैं। पीछे रहना है ठीक नहीं, वीरों की यह लीक नहीं, मत सकुचाओ मत घबराओ, आगे आओ आगे आओ। इस कविता के कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी जी कहना चाह रहे हैं, अपने देश के बच्चों से कहना चाहते हैं कि हे देश के कर्मधारों, किसी काम में पीछे रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आगे चलकर तुम ही देश के रक्षक हो। और तो रक्षक जो रक्षक होता है वह अगर अपने जीवन में पीछे रहे तो उसके जीवन का यह सही रास्ता नहीं है। इसलिए बच्चों, अपने कामों में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए और उस पर चलने में संकोच नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मत समझो तुम हो नादान, इस पद से हो तुम अनजान, सब समझोगे साहस लाओ, आगे आओ आगे आओ। दूसरे अनुच्छेद के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं, देश के भविष्य यानी बच्चों को कहना चाहते हैं कि तुम अपने को बुद्धिहीन मत समझो कि हम इस काम में अनजान हैं, तुम अपने आप को समझदार समझो और हिम्मत रखो कि हम सभी काम आसानी से कर सकते हैं, इसलिए आगे बढ़ो। यदि आज बढ़ोगे अभी नहीं तो बढ़ न सकोगे कभी कहीं, इसलिए बढ़ो बढ़ते चलो, आगे आओ आगे आओ। तीसरे अनुच्छेद के माध्यम से कवि बच्चों को कहना चाहते हैं कि यदि आज आगे बढ़कर अपने को नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए अपने कर्म के मार्ग पर बढ़ो और बढ़ते चले जाओ, इसलिए आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। तो बच्चों, उम्मीद है इस कविता का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।